लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बलिया जिले के बांसडीह क्षेत्र के सुकूनपुरा गांव की रहने वाली एक किशोरी के बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने से हड़कंप मच गया। किशोरी अपनी मां के साथ अपने खाते की जाँच करने जब बैंक पहुंची तो बैंक कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत समय से पैसों का लेन देन चल रहा है। बैंक ने खाते से लेन देन पर रोक लगा दी है। किशोरी इस मामले को लेकर कोतवाली में गई। सुकूनपुरा गांव की सूबेदार साहनी की पुत्री सरोज का इलाहाबाद बैंक की बांसडीह शाखा में खाता है। जब बैंक कर्मचारियों ने सरोज को बताया कि उनके खाते में 9,99,04,736 रुपए हैं, तो उसके होश ही उड़ गए। बैंक कर्मचारियों ने किशोरी को ये भी बताया कि उनके खाते में कई बार रुपयों का लेन देन हो चुका है और अब उनके खाते से लेन देन पर रोक लगा दी गई है। ये सुनते ही सरोज बांसडीह कोतवाली पहुंची और पुलिस को सब बता दिया। सरोज ने इस मामले के लिए शिकायत पत्र देते हुए कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू होने की अपनी इच्छा जाहिर की। शिकायत पत्र में सरोज ने जानकारी दी कि इलाहाबाद बैंक में वर्ष 2018 में उनका खाता खुला। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले नीलेश कुमार नाम के एक युवक ने उनसे पीएम निवास के नाम पर उनकी जानकारी हासिल की और उनसे उनका फोटो, आधार कार्ड, बाकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। सरोज ने बाकी कागजातों के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी भी नीलेश के पते पर पहुंचवा दी। उसके कुछ दिन बाद सरोज को डाक से एटीएम मिला। नीलेश ने वो भी सरोज से मंगवा लिया और सरोज ने उसका एटीएम कार्ड भी नीलेश को भिजवा दिया और अपने पिन कोड की जानकारी भी बता दी। सरोज ने अपनी लिखित शिकायत में ये भी दर्ज करवाया है कि उन्हें रुपए के लेन देन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। सरोज ने ये भी बताया है कि रुपए खाते में कैसे और कहां से आए इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती और उनका जमा धनराशि से कोई भी सरोकार नहीं है। नीलेश जिस नंबर से सरोज को संपर्क करता था वो नंबर भी अब स्विच ऑफ बता रहा है। बांसडीह कोतवाली के निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस बारे में जांच करेगी और जल्द ही इस पूरे मामले की तह तक पहुंचेगी।